नमस्ते, मेरा नाम संजय बारभाया, आई एम फ्रॉम वडोदरा, गुजरात, इंडिया। नाउ आज का टॉपिक है ओशो सक्रिय ध्यान। ओशो सक्रिय ध्यान यानी डायनामिक मेडिटेशंस। आज हम ओशो सक्रिय ध्यान के बारे में पूरी जानकारी हम लेंगे। इसके स्टेप्स क्या है और ये कैसे होता है, ओशो सक्रिय ध्यान अथवा ओशो डायनामिक मेडिटेशंस। नाउ ओशो सक्रिय ध्यान यानी डायनामिक मेडिटेशंस, इसके स्टेप्स कितने हैं, कुल चरण कितने हैं? तो ओशो डायनामिक मेडिटेशंस में इसके टोटल स्टेप्स है, 5 स्टेप्स है। ये जो ध्यान है ये ओशो संगीत के साथ होता है। ये जो ध्यान है वो संगीत के साथ होता है। ध्यान का जो समय है वो कुल 60 मिनट का है, यानी ये 1 घंटे का ध्यान है। ये जो ध्यान है ये 1 घंटे का ध्यान है। और ध्यान का जो उपयुक्त समय जो है वो सुबह 6 से 7 बजे का है। ध्यान का जो उपयुक्त समय वो सुबह 6 से 7 बजे का है, यानी पूरे वर्ल्ड में जितने ओशो सेंटर चलते हैं, कम्यून चलते हैं, वहां पर जो ये जो ध्यान होता है वो सुबह 6 से 7 के बीच में होता है, यानी उपयुक्त समय 6 से 7 के बीच का है। और एक बार यहां पर ध्यान के कुल स्टेप्स है 5। ये 60 मिनट्स का ध्यान है और इसका जो टाइमिंग है वो मोस्टली सुबह 6 to 7 का टाइमिंग है। अभी आगे जाते हैं। ये फाइव स्टेप में जो फर्स्ट स्टेप है, स्टेप नंबर फर्स्ट, वो 10 मिनट का है। स्टेप नंबर जो फर्स्ट है वो 10 मिनट का है। ये फर्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, तो फर्स्ट स्टेप में अपनी पूरी शक्ति से नाक से तेजी से श्वास भीतर ले और बाहर छोड़े। अपनी पूरी शक्ति से नाक से तेजी से श्वास भीतर ले और बाहर छोड़े। और आपका जोर हमेशा श्वास बाहर फेंकने पर हो, शरीर स्वयं श्वास भीतर लेने की चिंता लेगा। ध्यान रहे श्वास गहरी हो। फर्स्ट स्टेप में आपको जोर जोर से श्वास लेना है। श्वास कैसी होनी चाहिए, गहरी, अराजक और तेज। गहरी, अराजक और तेज, यानी डीप, कियोटिक और फास्ट आपको श्वास लेने का है। इसका जो परफेक्टली डेमो ये मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में दूंगा। यानी फर्स्ट स्टेप में 10 मिनट तक श्वास गहरी, अराजक और तेज लेने की है। श्वास गहरी, अराजक और तेज लेने की है। नाउ सेकंड स्टेप, अभी आगे जाते हैं। सेकंड स्टेप है वो 10 मिनट का है। सेकंड स्टेप वो 10 मिनट का है, विस्फोटित हो जाए। सेकंड स्टेप में हमें क्या करना है, विस्फोटित हो जाए, उस सबको अभिव्यक्त करे जो बाहर फेंकने जैसा है, पूर्णतया पागल हो जाए, चीखे, चिल्लाए, रोए, कूदे, नाचे, हंसे, गाए, शरीर को हिलाए, डुलाए, स्मरण रहे। जब आप होश पूर्वक रेचन करते हैं तब आप पागल होते हैं, तो आप साक्षी बने रहते हैं। फर्स्ट स्टेप है ब्रीथिंग का है, डीप, कियोटिक और फास्ट। और जो सेकंड स्टेप है वो कैथार्सिस का है। कैथार्सिस यानी रेचन का स्टेप से। ये रेचन का स्टेप में हमें क्या करने का है, तो चीखने का है, चिल्लाने का है, रोने का है, कूदे, नाचे, हंसे, गाए। आपके शरीर को जो भी करने की इच्छा है, जो भी आपके जो दमित जो आपका वेग है, भाव है, उसे प्रकट करने का है। यानी शरीर में से जो भी करने की इच्छा हो उसे करने का है, करने देने का है। इसमें से क्या होगा, शरीर के बहुत सारी नेगेटिव एनर्जी हम बाहर फेंकते हैं। तो सेकंड स्टेप है वो रेचन का यानी कैथार्सिस का। अपना जो भी जो भाव है, नेगेटिव भाव है, उसको शरीर से बाहर फेंकने का है। और इसमें स्टार्टिंग में जो प्रॉब्लम होगा वो आपको थोड़ा अभिनय भी करने का है। यानी इसमें एक्चुअली क्या करने का है, चीखने का, चिल्लाने का, रोने का, कूदने का, नाचने का, हंसने का, गाने का। और यहां पर एक चीज खास है कि जब हम होश पूर्वक करते हैं तो हम साक्षी उसके रहते हैं। नाउ अभी हम आगे जाते हैं, थर्ड स्टेप। स्टेप नंबर थर्ड जो 10 मिनट का है, इसमें हमें क्या करने का है, पूरा समय अपने दोनों बाजुओं को ऊपर उठाकर रखे और जितनी गहराई से संभव हो हूं हूं की ध्वनि करते हुए ऊपर नीचे कूदे। प्रत्येक बार आपके पांव धरती पर आए तो पूरे पांव के तलवे को धरती को छूने दे। आप अपना सर्वस्व लगा दे, कुछ भी पीछे बचाए नहीं।
थर्ड जो स्टेप है वो 10 मिनट का है। थर्ड स्टेप में हमें क्या करने का है, तो हाथ ऊंचा रख के हमें उछलने का है, और जब भी हमारा जो पैर का तलवा जब जमीन को छुए तब हूं शब्द उच्चार करने का है। हूं यानी हाथ ऊंचा रखे हूं हो 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 ऐसा उच्चार करने का है। हाथ ऊंचा रखे हु शब्द का उच्चार करने का, ये स्टेप नंबर 3 है और ये 10 मिनट का रहेगा। स्टेप नंबर 1 ब्रीदिंग 10 मिनट्स, सेकंड स्टेप 10 मिनट्स कैथार्सिस यानी रेचन, और थर्ड स्टेप 10 मिनट का ये हु ये मंत्र का उच्चार करने का है। अभी आगे जाते हैं, स्टेप नंबर 4 जो रहेगा वो 15 मिनट्स का रहेगा। इसमें क्या करने का है, रुक जाए जहां भी है जैसे भी है बिल्कुल जम जाए, शरीर को जरा भी व्यवस्थित न करे, आप जो भी घटित हो रहा है उसके साक्षी बने। स्टेप नंबर 4 में यहां पर जब होगा तब ओशो की आवाज आएगी स्टॉप, तो पूरा 15 मिनट के लिए जहां भी है जैसे भी है स्टॉप हो जाने का है और अपने अंदर उतरने का है, जो भी हो रहा है उसका स्वीकार करने का है। यानी जो थर्ड स्टेप है वो पूरा साइलेंस का पूरा स्टेप्स है, जहां भी है जैसे भी है आपको रुक जाने का है और पूरा जो आपका ध्यान वो अंदर होना चाहिए और पूरे स्वीकार भाव से अंदर जो भी हो रहा है उसे स्वीकार करने का। यानी जो फोर्थ स्टेप जो है वो पूरा साइलेंस का ये स्टेप्स है। अभी आगे जाते हैं स्टेप नंबर 5, ये 15 मिनट्स का है। इसमें क्या करने का है, उत्सव मनाए, ये जो पूरा है संगीत के साथ में होता है। ये दरेक जो स्टेप्स में संगीत बदलेगा, यहां भी संगीत जब बदलेगा तब ये पूरा संगीत में उत्सव मनाए, संगीत और नृत्य के साथ अपने अंतस के अवभाव को बाहर अभिव्यक्त करे, फलित हुई जीवंतता को दिन भर की अपनी चर्या में फैलने दे। जो 5th नंबर का स्टेप है वो 15 मिनट का स्टेप है, इसमें संगीत बजेगा और संगीत में पूरे भाव से अच्छी तरह नाचना है, अपने भाव को वो अभिव्यक्त करना है। यानी स्टेप नंबर 5 वो 15 मिनट्स ये देखा जाए पूरा थोड़ा नाचने का है और अपने भाव को अभिव्यक्त करने का है। और ये आगे जो बोला, ये जो पूरा ध्यान है वो 1 घंटे का ध्यान है, मॉर्निंग में सुबह 6 से 7 उसका उपयुक्त समय है, और ये जो पूरा ध्यान है वो ओशो संगीत के साथ में किया जाता है। नाउ अभी के लिए इतना ही है, टोटल 5 स्टेप्स और एक बार रिवीजन करते हैं। 5 स्टेप्स, 1 आवर, फर्स्ट स्टेप में ब्रीदिंग करने का है, डीप कियोटिक एंड फास्ट गहरी अराजक तेज श्वास लेने का है, सेकंड कैथार्सिस रेचन करने का है, थर्ड स्टेप हु का स्टेप से, फोर्थ साइलेंस का स्टेप से, और 5th जो है वो डांसिंग का है अपने भाव को व्यक्त करने का स्टेप से। इसका जो प्रैक्टिकल जो है वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में दूंगा कि एक्चुअली ये मैंने पूरा थियरी समझाया, ये उसका जो प्रैक्टिकल है वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में पूरा आपको ये प्रैक्टिकल करके बताऊंगा, और उसके बाद के लेक्चर में हम इसकी कमेंट्री लेंगे, ये इसके बारे में पूरी कमेंट्री वो हम उसके बाद के लेक्चर में लेंगे। नाउ आपने इतनी अच्छी तरह सुना, सबको थैंक यू वेरी मच।